और मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, होश को जगाकर ध्यान के माध्यम से तुम अपने शरीर, हृदय और मन तीनों तलों पर एक लय हो सकते हो, तीनों में हार्मनी हो सकती है। और जब तीनों में हार्मनी हो जाती है तब सच्चे अर्थों में तुम्हें मुक्ति मिलती है। अगर तुम किसी एक में उलझे रहते हो तो तुम बंधन में हो। और तीनों में हार्मनी पैदा करने का, एक लयता पैदा करने का एक ही माध्यम है, जिसे मैंने कहा ध्यान। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कहता हूँ ध्यान से शुरू करो, तब तुम कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों के उत्कर्ष पर पहुंच जाओगे। तीनों अलग नहीं है, तीनों का एक साथ रस, एक साथ स्वाद, एक साथ बोध, एक साथ अनुभव और एक साथ उनका प्रकटीकरण तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। तुम वास्तव में इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो जब तुम शरीर के तल पर, मन के तल पर, आत्मा के तल पर एक लय हो जाओ। और इस एक लयता के लिए मैंने आपको दिया ध्यान, और ध्यान की मैंने दो विधियां दी हैं। एक विधि है माइंड पावर मेडिटेशन, जिसका उपयोग करके तुम इस जिंदगी में भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो और भौतिक जगत के सारे सुख प्राप्त कर सकते हो। कि ध्यान की दूसरी विधि दी है संजीवनी क्रिया, जिसका अभ्यास करके तुम इसी जीवन में आत्मा के निकट पहुंचकर परम आनंद के रूप में साक्षात परमात्मा को प्रकट कर सकते हो। तो ध्यान की ये दो विधियां, इनका अभ्यास आपको करना है। जो हर व्यक्ति को पहले भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को पाना जरूरी है, ये मैं कहता हूं। हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार माइंड पावर मेडिटेशन का उपयोग करना है। और इस जगत की सबसे बड़ी संपदा परम शांति, परम आनंद के रूप में साक्षात परमात्मा का को पाने की है। उसको पाने की एक ही विधि है संजीवनी क्रिया। आप इन दोनों विधियों को अच्छी तरह सीख लें और डिजाइन योर डेस्टिनी, एक बेसिक कोर्स मैंने दिया है। सभी मित्र उनसे मेरा आग्रह है कि डिजाइन योर डेस्टिनी जो बेसिक कोर्स है, धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मनचाही मंजिल को उपलब्ध कराने की सबसे शक्तिशाली विधि इस डिजाइन और योर डेस्टिनी कोर्स में 3.5 घंटे के कोर्स में आपको उपलब्ध कराई गई है। आप सबको इसे 2-3 बार अवश्य सुन लेना चाहिए, ताकि धर्म के मर्म को, धर्म के विज्ञान को और जीवन के परम आनंद के लक्ष्य को आप प्राप्त कर सके। आज इतना ही। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।